तो लास्ट वीडियो में आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में फर्क देख लिया। इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि जब रिपीटेशन अलाउड हो या रिपीटेशन नहीं अलाउड हो तब हम कैसे डील कर सकते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फर्क आपको आपको शायद मैं थोड़ा रिपीट करवा दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जी दो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 63 या 36, सॉरी 6, क्या ये दोनों इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट मैटर कर रही है, यानी कि 6 3 6, यहाँ 36 हो गया, वहां 63, सो इट्स मीन ये जो केस ही परमुटेशन का है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 3 + 6 क्या इक्वल है 6 + 3 के, अब आप कहेंगे जी ये बिल्कुल इक्वल है क्योंकि अरेंजमेंट मैटर कर ही नहीं रही, 6 + 3 भी 9 होता है, 3 + 6 भी 9 होता है, तो ये केस हो गया कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अच्छा, इसके बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो चार केसेस हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। ठीक है, एक केस हो जाता है जिसमें रिपीटेशन जो परमुटेशन का ही होता है, यानी कि जिसमें अरेंजमेंट मैटर कर ही होते हैं उसमें एक रिपीटेशन अलाउड होती है और एक में नहीं अलाउड होती, ठीक है। कॉम्बिनेशन में भी ठीक इसी तरह होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपने क्या करना है कि आपको मैं अगर कहूं कि तीन लेटर्स हैं, ठीक है, तीन लेटर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इनके पेयर बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। इन अ वे दैट परमुटेशन को अभी आप यहां पे इसको इस वर्ड को इन वर्ड्स को आप निग्लेक्ट कर दें, इन वर्ड्स को निग्लेक्ट कर दें, इन अ वे दैट रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को दो बार भी यूज कर सकता हूँ जिस तरह मैंने यहां किया है, रिपीटेशन अलाउ है, तो मैं ए ए भी करूं, बी बी भी करूं, सी सी भी करूं। अब क्योंकि मेरे पास ये नंबर कम हो गया, अब मैं रिपीटेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास चॉइस ही दो नंबर्स की है ना, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि परमुटेशन जिसमें अरेंजमेंट भी मैटर करती है, अब मैं दूसरे से अरेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी कर दिया मैंने, बी ए कर दिया, ठीक है, बी सी कर दिया, सी बी, तो ये सारे आपके। अब आप देखेंगे कि इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में सिंपल ये हो रहा है कि आपने रिपीटेशन भी अलाउ है, यानी कि नंबर आप दोबारा लेटर्स को दोबारा भी यूज कर रहे हैं और उनमें अरेंजमेंट भी मैटर कर रही है, यानी कि ए भी इक्वल नहीं हो रहा बी ए के, यानी कि वो भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जब आपके कितने पॉसिबल वे में आप बना सकते हैं वो है तकरीबन 9। अब इसको फॉर्मूले में कैसे लेके आते हैं, देखिए फॉर्मूले में समझने के लिए आपने पहले केस समझना होता है। केस आपने समझ लिया कि यार ये परमुटेशन का केस है जिसमें रिपीटेशन भी अलाउड है। अब ये एक सिंपल फॉर्मूला है, P फॉर परमुटेशन, N फॉर जो टोटल आपके मेन टर्म है, और R जिसमें आप आपके पास जो वैकेंट जो आप जो वैकेंट आपके पास स्लॉट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो स्लॉट दो ही थे, ठीक है, N जो थे वो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे, ठीक है, N और R, ये इसका फॉर्मूला है जब परमुटेशन अलाउड है और परमुटेशन और रिपीटेशन अलाउड है। तो ऑब्वियसली 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, ये इजीली हमने फॉर्मूले से कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जब परमुटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि अब ए ए नहीं हो सकता, एक बार जो फॉर एग्जांपल मैंने ए इस्तेमाल कर लिया या बी इस्तेमाल कर लिया, अब वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता दूसरा नंबर, तो सिंपल मेरे पास यही कॉम्बिनेशन बनता है ए बी बी ए बी सी सी बी ए सी सी ए, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉरी इधर ब्रैकेट लगाना भूल गया, आप इसको ऐड कीजिएगा लाजमी, ठीक है। एन वही हमारे पास 3 है, एन यहाँ पे 3 है, माइनस आर जो है हमारे पास 2 है, हमें पता है क्योंकि हमारे पास स्लॉट ही दो है, 2 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल और ये 3, ऑब्वियसली 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और 3 का फैक्टोरियल 2 + 1 यानी कि 6, देखें आपके सामने फॉर्मूले के थ्रू भी हो गया। अब मैं बात करूं कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में जैसा कि आपको पता है कि रिपीटेशन जो सॉरी अरेंजमेंट, तो ये आपके सामने पॉसिबल वो है, अब यहाँ रिपीटेशन अलाउ, यानी कि हम ए को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए ए हमने इस्तेमाल कर लिया, बी बी, अब देखें ये आप भी बना सकते हैं, अभी तो हम थोड़े से इतना ज्यादा इनिशियल लेवल पे
कम डिफिकल्ट क्वेश्चन के सामने है, लेकिन बाद में आपके सामने आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके आपके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। सी सी ए बी बी ए, ठीक है, अब ये एक ही चीज है। तो ये आपके सामने एक मैंने बना लिया है कि भाई ये पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसमें ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ए बी सी को अरेंज कर सकता हूँ जब मैंने पेयर बना लिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, फॉर्मूले में 3 + r^2 + 1 - 1, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल है एंड -1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा जी, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 और -1 = 4 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 3 × 2 फैक्टोरियल कर सकता हूँ, यहां से कैंसिल 4, ठीक है, और 2 को जब मैं यहां से करूंगा तो ये 2 × 3, यानी कि जब आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर इन द एंड यही आएगा 6, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन ही अगले में जो फोर्थ केस है वो हमारे कॉम्बिनेशन जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए को अब मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इट्स मीन कि अब ए, अब जब मैं रिपीटेशन नहीं अलाउ, इट्स मीन कि वो आपके सामने यही वाला केस आई है जिसको अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि 3 फॉर्मूले आपके सामने 3 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ से 1 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 3 है। तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगा इस चीज का, जिससे आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा इसे, आपका आपके आप अपने लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर हम अगली क्लास में आपको थोड़ा सा और एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे।